नमस्कार, मैं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नजर सुर्खियों पर। प्रदेश में आज धूमधाम से मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस। के पाठक ने पत्र जारी कर स्कूल बंद करने के दिए आदेश। बिहार के इन हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की हुई घोषणा। भोजपुरी फिल्म उद्योग में पहली बार म्यूजिक अवार्ड का पटना में हो रहा आयोजन। आज प्रो कबड्डी लीग में पटना पायलट से बिहार के संदीप दिखाएंगे जलवा। इसके साथ ही बढ़ते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। प्रदेश में आज धूमधाम से मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस। बिहार के राज्यपाल ने पटना के गांधी मैदान में सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन किया और परेड में शामिल टुकड़ियों की सलामी ली। वहीं इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री ने भी सीएम आवास पर आज के इस अवसर पर झंडा फहराया है। आज के इस अवसर पर गांधी मैदान में कई गणमान्य मौजूद रहे। राज्यपाल विश्वनाथ हारलेकर, सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई नेता गण और मंत्री मौजूद थे। आज के इस अवसर पर गांधी मैदान में कई कार्यक्रम आयोजित होते दिखे। इस दौरान राज्यपाल ने कई वीर सैनिक जवानों को सम्मानित भी किया, साथ ही प्रदेश और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। अपने भाषण के दौरान राज्यपाल ने कहा, बिहार ने विश्व को पहला गणतंत्र दिया है, इसके लिए हमें गर्व है। वहीं सीएम नीतीश ने इस अवसर पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूतों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि इनके कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। के पाठक ने पत्र जारी कर स्कूल बंद करने के दिए आदेश। बिहार में ठंड के कारण स्कूल बंद करने को लेकर जिला अधिकारी और शिक्षा विभाग के बीच काफी विवाद देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ठंड से 3 बच्चों की जान चले जाने पर अब के पाठक ने भी पत्र जारी किया है। इस पत्र के जरिए उन्होंने आदेश देते हुए कहा है कि बिहार के सभी स्कूलों को 29 जनवरी तक बंद कर दिया जाए। दरअसल पत्र में के पाठक ने लिखा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 29 जनवरी 2024 तक शीतलहर रहने की संभावना संबंधी एडवाइजरी जारी की है, जहां उन्होंने जिला अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि वे दिनांक 29 जनवरी 2024 तक स्कूलों में क्लास 8 तक के छात्रों के आने और जाने के समय में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कक्षा 9 से कक्षा 12 की पढ़ाई का समय और बोर्ड की तैयारी बाधित नहीं होगी। वहीं शिक्षकों को लेकर उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक पूर्व की भांति ही तय अवधि तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और प्रशासनिक कार्य निष्पादन करेंगे। आज प्रो कबड्डी लीग में पटना पायलट्स से बिहार के संदीप दिखाएंगे जलवा। प्रो कबड्डी लीग में पटना पायलट्स की टीम में बिहार के छोटे से जगह से आने वाले संदीप कुमार को भी शामिल कर लिया गया है। आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में प्रो कबड्डी लीग का आयोजन हो रहा, जहां संदीप भी टीम के तरफ से खेलते दिखने वाले हैं। यह मुकाबला आज के दिन पटना पायलट्स और बंगाल वॉरियर के बीच होने वाला है। संदीप ने बताया कि उनका जीवन यहां तक पहुंचने के लिए काफी संघर्षरत रहा है। कई आर्थिक दिक्कतों का सामना उन्हें यहां तक आने के लिए करना पड़ा। उन्होंने बताया कि वे 7वीं कक्षा से ही वे कबड्डी खेल रहे हैं। उनके पिता ऑटो चालक हैं और मां गृहिणी हैं। परिवार पर कर्ज के बोझ की वजह से उन्हें उनके परिजन का भी अधिक साथ नहीं मिल पाया। हालांकि अब उन्हें उनके सफलता मिलने के बाद वे और उनके परिवारजन काफी खुश हैं। बिहार के इन हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की हुई घोषणा। पद्म पुरस्कार 2024 घोषणा गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर की गई है। इस घोषणा के तहत देश भर से कई हस्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा। इन हस्तियों में बिहार के भी कई लोग शामिल हैं, जिन्हें देश के इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। बता दें कि इससे पहले अभी हाल में ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को भी भारत रत्न देने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। वहीं अब बिहार के मधुबनी पेंटिंग के लिए जाने जाने वाली शांति देवी पासवान और उनके पति शिवम पासवान को भी पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा टिकुली पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध अशोक कुमार राम और कुमार मल्लिक को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया जाना है। तो वहीं वरीय पत्रकार सुरेंद्र किशोर को भी पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही बिहार से स्वर्गीय बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण और डॉक्टर सीपी ठाकुर को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इन सभी को उनके क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए जाने के कारण मिल रहे सम्मान को लेकर बधाई और शुभकामनाएं दी है। कल से खुलेगा नेचर सफारी और जू सफारी। यदि आप आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल में शामिल नेचर सफारी और वाइल्ड जू सफारी के पर्यटन के लिए राजगीर और नालंदा आने वाले हैं, तो आपको बता दें कि आज यह पर्यटन स्थल गणतंत्र दिवस के अवसर पर बंद रहने वाले हैं। इसे लेकर वाइल्ड लाइफ जू सफारी के निदेशक हेमंत पाटिल और नालंदा वन प्रमंडल के रेंज ऑफिसर ऋषिकेश द्वारा बताया गया है कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय त्यौहार को लेकर जू सफारी और नेचर सफारी बंद रहेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में ये पर्यटन स्थल लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है, जिसे लेकर कई लोग यहां आते हैं। हालांकि कल से यह अपने नियमित समय से खुलने शुरू हो जाएंगे। बीपीएससी थम इम्प्रेशन के दौरान कई शिक्षक आए संदेह के घेरे में। नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर खबर आई है कि कई ऐसे शिक्षक आए हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से यह नौकरी हासिल की है। अब इसी के सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक जांच चल रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में भी यह जांच प्रक्रिया चल रही है, जहां कुल 3251 शिक्षकों को जांच में सही पाया गया है,
लेकिन 889 शिक्षक संदिग्ध पाए गए हैं। इनके थंब इम्प्रेशन का मिलान सही तरीके से नहीं हो पा रहा। इसके अलावा मोतीपुर प्रखंड से भी 107 शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन का मिलान नहीं हो पाया है। ऐसे में इन जिन शिक्षकों को लेकर ऐसी समस्या आ रही है, उन्हें संदिग्ध सूची में रखा जा रहा। विभाग 31 जनवरी तक इन शिक्षकों को एक बार फिर से इसके लिए मौका देगा। वहीं विभागीय जांच के दौरान जो फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि अभी भी कई ऐसे शिक्षक बचे हैं जिनकी जाँच होनी बाकी है। भोजपुरी फिल्म उद्योग में पहली बार म्यूजिक अवार्ड का पटना में हो रहा आयोजन। म्यूजिक अवार्ड का आयोजन पहली बार भोजपुरी फिल्म उद्योग में होने वाला है। इस म्यूजिक अवार्ड के तहत भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज सितारों के साथ ही हिंदी सिनेमा के भी कई दिग्गज सितारे पटना के गांधी मैदान में 28 जनवरी को शिरकत करने वाले हैं। इस अवार्ड शो के दौरान भोजपुरी संगीत से जुड़े कई हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। मालूम हो कि भोजपुरी सिनेमा में फिल्मों को लेकर तो अब तक कई अवार्ड शो समारोह आयोजित हो चुके हैं, लेकिन भोजपुरी सिनेमा में पहली बार इस तरह के अवार्ड फंक्शन देखने को मिलने वाले हैं। बता दें कि साल 2022 में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के दो गाने YouTube इंडिया के टॉप 10 म्यूजिक वीडियो में लिस्ट में शामिल थे। बिहार में जो अवार्ड शो आयोजित हो रहा है, उसे फिल्मची चैनल द्वारा आयोजित किया जा रहा। आने वाले 2 से 3 सालों में पटना में दौड़ेगी मेट्रो। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो रेल परियोजना तैयार की जा रही है। यदि यह परियोजना संचालित होने लगती है तो पटना के प्रदेश का पहला मेट्रो स्टेशन तैयार हो जाएगा। साथ ही बिहार भी मेट्रो सिटी वाले राज्य में शामिल हो जाएगा। बिहार में मेट्रो रेल परियोजना का काम बड़ी ही तेजी से किया जा रहा है। यह काम 2 भागों में किया जा रहा। पहले कॉरिडोर में पटना के दानापुर स्टेशन है और दूसरे कॉरिडोर नए बस अड्डा से है। मिली जानकारी के मुताबिक जो दूसरा कॉरिडोर है, उसमें काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले 2 से 3 सालों में इस दूसरे कॉरिडोर को शुरू कर दिया जाए। हालांकि इस परियोजना के तहत कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जैसे पटना की मिट्टी काफी चिकनी होने की वजह से इसे काटने में परेशानी हो रही, लेकिन काम किया जा रहा है और कर्मियों ने जल्द ही काम के पूरा होने की संभावना जताई है। इस गणतंत्र दिवस पर लगातार 9वें साल भी कर्तव्य पथ पर बिहार को मिली निराशा। इस बार भी लगातार 9वें साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी नहीं दिखाई गई है। दरअसल इस अवसर पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर निकलने वाली झांकियों में बिहार सरकार की तरफ से बिहार के गंगाजल योजना को दिखाने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन इसमें भी निराशा मिली और बिहार के प्रस्ताव को ही अस्वीकार कर दिया गया है। बता दें कि नीतीश कुमार के इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत बिहार में राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों तक गंगाजल की आपूर्ति करवाई जा रही है। यह आपूर्ति पटना के मोकामा से पाइप के जरिए करवाई जा रही। बिहार इसी योजना को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना चाह रहा था ताकि लोग जल संरक्षण और इसके प्रबंधन को समझ सके। बावजूद इसके बिहार के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। बता दें कि आज के इस अवसर पर 90 मिनट के कार्यक्रम में 30 झांकियां देखी गई हैं। आज का यह कार्यक्रम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित था। जदयू के सभी कार्यक्रम हुए रद्द, विधायकों को अचानक पटना आने का मिला निर्देश। बिहार के सियासत में अटकलबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच खबर आई है कि जदयू ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है और पार्टी के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। बता दें कि पार्टी की तरफ से जो महाराणा प्रताप का कार्यक्रम होने वाला था, अब वह भी रद्द कर दिया गया है। इस आयोजन को लेकर 28 जनवरी को रैली की जानी थी। इसके अलावा पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में भी होने वाले कार्यक्रम जदयू की तरफ से रद्द किए जा चुके हैं। साथ ही झारखंड के रामगढ़ में भी होने वाले जनसभा रैली रद्द कर दिए गए हैं। आज शाम तक पटना में जदयू के सभी विधायकों को आने का निर्देश दिया गया है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर अचानक से ये रैलियां और कार्यक्रम रद्द क्यों किए गए हैं। अमित शाह के आवास पर हुए अहम बैठक को लेकर सम्राट चौधरी का बयान आया सामने। बीते शाम अचानक से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली गए थे, जहां अमित शाह के आवास पर भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने बिहार के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ साथ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, रेणु देवी और सुशील मोदी जैसे नेता मौजूद रहे। हालांकि सम्राट चौधरी द्वारा मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा गया कि यह बैठक आगे की रणनीति पर विचार विमर्श को लेकर के थी, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की है। हालांकि मीडिया में जिस तरह से खबरें चल रही, उसके मुताबिक बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अब क्या होगा, इसे लेकर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। बिहार की राजनीति पर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, नीतीश कुमार के एनडीए में जाने को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। संभावना जताई जा रही कि बिहार के सियासत में उथल पुथल हो सकती है। इसी बीच जन सुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीति के अंतिम दौर में है, उनका राजनीतिक पतन होने वाला है। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जो दल अपने साथ लेगा, वह खुद भी डूबेगा। नीतीश कुमार जिसके साथ जाएंगे, उसे भी डुबो देंगे, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए।
नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है, वह कब दाय हो जाए और कब बाय हो जाए। वहीं गरीब परिवारों को 2 लाख देने की बात पर प्रशांत किशोर ने कहा कि यह सब लॉलीपॉप है, वे जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। राबड़ी आवास पर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के बाद लालू परिवार ने मीडिया से बनाई दूरी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के सभी राजनीतिक दल झंडोत्तोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में राबड़ी आवास पर 10 सर्कुलर रोड में लालू यादव और राबड़ी देवी ने झंडोत्तोलन किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि राजद के कार्यक्रम में मीडिया को एंट्री ना मिली हो। ऐसे में बिहार के सियासत में बदलाव को लेकर चर्चाएं और भी तेज हो चुकी हैं। लोगों के बीच चल रही चर्चाओं के मुताबिक लगातार नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने को लेकर संकेत मिल रहे हैं। इसी बीच बीते शाम भी राजद के कई वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक देखने को मिली थी। वहीं दूसरी तरफ नीतीश आवास पर भी जदयू की बैठक हो रही थी और अचानक से बीजेपी से सम्राट चौधरी दिल्ली गए। ऐसे में बिहार के सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष की अचानक से इन बैठकों को लेकर कई सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। बिहार के सियासी उथल पुथल पर जीतन राम मांझी का बयान आया सामने। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार की राजनीति में काफी चहल पहल देखने को मिल रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अपने आवास पर झंडोत्तोलन किया। उसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि बिहार के सियासी उथल पुथल पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो उस पर उन्होंने बताया कि बिहार में खेला तो होगा, हम तो यही जानते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार खुले मन से कांग्रेस और राजद के ऊपर बोलते थे कि आप लोग वापस से 2005 के दौर में जाना चाहते हैं, तो इस समय समझ जाना चाहिए थे कि नीतीश कुमार को राजद पसंद नहीं था। वहीं नीतीश के एनडीए में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश एनडीए में आते हैं तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, हम एनडीए में बहुत ही छोटे डाल हैं, जो कुछ करना है वह भाजपा को करना है। आरएसबी ने यशस्वी के ऋषभ पंत से कर दी तुलना। हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा। इस मैच में पहले दिन में ही यशस्वी जायसवाल ने धमाल मचा दिया है। उनके बल्लेबाजी के इस आक्रामक अंदाज को देखते हुए आर अश्विन भी बेहद खुश हुए हैं। उन्होंने यशस्वी को लेकर कहा है कि भारतीय ऑफ स्पिनर का कहना है कि यशस्वी ऋषभ पंत की तरह निडर होकर बल्लेबाजी करते हैं। उन्होंने बताया कि यशस्वी की आईपीएल काफी शानदार रही है और साथ ही उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की भी जबरदस्त शुरुआत की है। मुझे उनकी बल्लेबाजी को देखकर काफी मजा आ रहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैदान पर ऋषभ पंत खेल रहे हैं। यशस्वी ने एक भी कदम गलत नहीं रखा है, वह टेस्ट क्रिकेट में ऐसे आए हैं जैसे मछली को पानी में लाया जाता है। बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला जारी है, जहां पहले दिन के खेल में भारत ने इंग्लैंड को 246 रनों पर ऑल आउट कर दिया और न्यूज लिखे जाने तक आज दूसरे दिन पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 301 रन बना लिए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है धनंजय कुमार, आर के राणा, नुन्नू गोलू कुमार, राजकिशोर महतो, सादुल्ला पालवी, मोहम्मद साकिर हुसैन, गोनर शर्मा, मनीषा, उमेश ऋषिदेव, नौसाद रजा, बाबूलाल मरांडी, रंजीत मिश्रा, मनीष कश्यप, अनवर करीम खान, वेद प्रकाश, छोटू राजा, रवि कुमार राम, अर्जुन राम, रविशंकर, कन्हैया कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे दिन के खेल को देखते हुए किसके जीतने की संभावना अधिक है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।